में क्या हुआ है, रिफिल टूट गया है ना, किसलिए टूटा है, किसलिए टूटा है? खुल गया तो टूट गया। टूटने का बहुत तो रीजन होता है ना, कोई सीमेंट का कट्टा उठाता है, कोई सीमेंट का कट्टा उठाता है कि नहीं, उसके बाद मान लो कोई वेट वाला चीज सर पे लेके जा रहा है, उसके बाद ही तो रिफिल टूटता है। अभी हमारा जो हेलमेट है, ये जो हेलमेट है ना, ये हिप्रो का हेलमेट है, ठीक है, ये ब्रांडेड कंपनी का है, तो ब्रांडेड कंपनी का ना रिफिल एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, ये रिफिल एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। जब रिफिल मांगने के लिए जाओगे तो पूरा हेलमेट खरीदना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हेलमेट का जितना रेट है उसी रेट से एक रिफिल लेना पड़ेगा, उससे नया हेलमेट दिला दे। तो इसी के लिए हम लोगों ने कंपनी को बात किया, काफ़ी बात किया, मगर उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बोल रहे अभी हेलमेट का ज़रूरत नहीं है, हेलमेट नहीं आएगा। दूसरा साइड से मंगाया, एक बार आया था रिफिल दूसरा साइड से, फिर ऑर्डर दिया, फिर अभी कैंसिल कर दे रहे, बोल रहे नहीं मिल रहा है। इसलिए बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब सीमेंट का कट्टा उठा के कोई लोड का चीज़ उठाओगे, सर के पास सबके पास गमछा है, गमछा है ना, कपड़ा है, देखो सबके पास दिखाई दे रहा है नहीं कि नहीं, ये देखो इस लाइन पे जितना आदमी है उस लाइन पे भी होगा। हाँ तो गमछा बांध लो सर पे, उसके बाद सीमेंट का कट्टा उठाओ, कोई भी सेफ्टी वाला टोका है जो हेलमेट हाथ में लेके सीमेंट का कट्टा सर पे लेके जा रहे हो, किसी ने टोका अभी तक? टोका नहीं है ना, जो पीपी दिया जाता है वो आपका सुरक्षा के लिए दिया जाता है, हेलमेट दिया जाता है उसको सुरक्षा आपका जिम्मेदारी है। कंक्रीट कर रहा है, कंक्रीट हो रहा है, गामबूट नहीं मिला, बस सेफ्टी शू पहन के कंक्रीट के अंदर घुस गया, यह ना दो दिन के बाद क्या होगा, सेफ्टी शूज खराब हो गया है, सेफ्टी शू खराब हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, सर सेफ्टी शू दे दो, सेफ्टी शू दिला दिया, दो दिन के बाद फिर कंक्रीट हुआ, फिर वही क्या, कंपनी कितना देगा? गामबूट देखो हार्ड स्लैब में गामबूट फेंका हुआ है, कोलेस्ट्रॉल चार में हार्ड स्लैब में एक दो गामबूट फेंका हुआ है, मगर काम किया उधर ही छोड़ के चला गया, हमारा काम हो गया है, मैं चलता हूँ, पीपीस खराब मत करो, ये आपका जिम्मेदारी है। वर्दी मस्ती करना है तो वर्दी खींच के मस्ती करना है, कपड़ा खींच के मस्ती करना है, अरे मुंह से भी तो मस्ती कर सकते हो, वो क्या कौन सा तरीका है, कपड़ा फाड़ दो, कपड़ा खींच के मस्ती करना है, जब सेफ्टी जैकेट फट जाता है, इसका पता है इसका कितना महत्व है, जब नाइट में काम करोगे ना तब पता चलेगा, जब अंधेरा में काम करोगे तब पता चलेगा इसका कितना महत्व है, मगर आप लोग क्या करते हो, मस्ती करना है, चलो जैकेट को खींच लेता हूँ, उसका फट जाएगा दो दिन के बाद, उसके बाद क्या होगा, सब जैकेट दे दीजिए, कितना देगा जैकेट, कितना कंपनी हेलमेट देगा, कितना जूता देगा, जूता पहन के काम कर रहे हो कंक्रीट के अंदर घुस रहे हो, पैर गिला हो रहा है, जब जूता खोल रहे हो स्मेल आ रहा है ना, आता है कि नहीं, तो रूम में जो बंदा रहता है वो बोलता नहीं है, अरे तेरा पैर से बदबू मार रहा है, बोलता है कि नहीं, बेइज्जती का बात है यार, जूता खोलने के बाद जूता से स्मेल आना ना बेइज्जती का बात है, साफ सुथरा रहोगे बीमार कम पड़ोगे, ठीक है, जूता जैकेट हेलमेट साफ सुथरा रहोगे आप सुरक्षा रहोगे, मगर उसी का ही फालतू यूज करते हो, कुछ बंदा को देखता हो जैकेट फट गया बस कमर पे बांध लिया लपट लिया, खास करके एक बात बोलता हूँ, जितना आदमी गामसा यूज कर रहे हो सके उसको सर पे बांध लो, गले में बंद पट्टे बांधो, ये ज़्यादा हजार्ड है, सबसे ज़्यादा हजार्ड है जो गले में गमसा रख के काम करते हो ना, उसको दो तीन आदमी हैं यहाँ पे बांधते हो, जब बोलते हो यार भाई कमर पे क्यों गमसा बांधा, फट गया पैंट फट गया, अरे सिलाई तो कर ले, बूट का खाने में 10 रुपये मिलता है मगर सिलाई करने में पैसा नहीं है, हाँ तो सबसे ज़्यादा हैजर्ड है, मान लो कोई मशीन में काम कर रहे मिस्त्री के साथ ही रहता है ना आदमी, तो उसके गले में गमसा रहता है, मिस्त्री मशीन में काम कर रहे, कोई काम करने के लिए बोला आपने गया बस हवा से वो पट्टा जाके मशीन में फंस गया तो क्या होगा, साथ में आप भी घूमोगे, दो तीन पलटी मार देगा बस, उसके बाद जाके मशीन बंद करोगे, तो गमसा यूज करो मगर वो सर पे बांध लो, ऐसा नहीं है जो गमसा यूज मत करो, गमसा कभी भी काम पे आता है, कैसे सीमेंट का कट्टा उठाने के लिए, जब कोई झाड़ू मारता है तो डस्ट उड़ता है तो उस टाइम नोज मास्क नहीं होता तो गमसा लगा देता है, गमसा लेने के लिए मना नहीं किया, उसको हो सके हेलमेट का अंदर पहन लो, हेलमेट के अंदर गमसा घुसा लो, उसके बाद हेलमेट पहन लो,
नहीं तो सर पे बांध लो, मगर गले पे मत रखो, गले पे सबसे ज्यादा हजार है गले पे बंदा। चलो तो हाइट के बारे में बता देता हूँ, अभी हमारा काम चल रहा है रिपेयर का, चल रहा है ना, उसके बाद चल रहा है क्या फिनिशिंग ग्राइंडिंग का, जो ग्राइंडिंग का काम कर रहा है आदमी, कल भी देखा था कार्ट आउट के अंदर ग्राइंडिंग कर रहा है, सेफ्टी बेल्ट उसके पास पड़ा है ठीक है, मगर लगाया नहीं, वो मेरा तरफ देख रहा है इसे, वो उसको पता है सेफ्टी वाला कुछ बोलेगा, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, कि नहीं क्यों नहीं बोला, अभी उसको बोलने के लिए जाऊंगा सर लगाने का जगह नहीं है, मैंने एक बोला ना एक चीज़ उस दिन भी बोला आज भी बोल रहा हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो सिविल लाइन पे नहीं होता है, तुम बोलोगे ना ये चीज़ नहीं होता है, ऐसा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है, कलम तोड़ के फिर भी उधर से कलम उठा देता है, इंजीनियर लोग का इतना दिमाग है तो तुम्हारा सेफ्टी बेल्ट फंसाने का जगह वो तुम खुद बना सकते हो, उसके पास सेफ्टी बेल्ट है मगर पहना नहीं है, जब उसको टोकूंगा जब बोलूंगा तब जाके वो सेफ्टी बेल्ट लगाएगा, उसके बाद भी वो मेरे को ऑब्जेक्शन करेगा सर सेफ्टी बेल्ट लगाने का जगह नहीं है, बोलेगा कि नहीं कहाँ पे लगाओ, अरे कहाँ पे लगा, तेरा दिमाग है नहीं, वहाँ पे पड़ो खड़ा कर दे, खड़ा करके लगा ले, मगर लगाएगा नहीं वहाँ पे से, कोई वो गिर जाएगा उधर से, देखने वाला कोई होगा, तीसरा मंजिल पे ग्राइंडिंग कर रहा है, जो जीने का पीछे जो कट आउट है ना उसी में ग्राइंडिंग कर रहा है, उसी में ग्राइंडिंग कर रहा है, उसका सेफ्टी बेल्ट है नहीं, सेफ्टी बेल्ट उसके पास में है पहना नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी हाइट में ग्राइंडिंग करोगे बा कोई भी मिस्त्री है जो झुक झुक के रिपेयर कर रहे हो ना बालकनी में, ऐसे झुको मत, सेफ्टी बेल्ट लगाओ, हर रोज एक ही बात बोलता हूँ, सेफ्टी बेल्ट लगा के वो जो रेलिंग है रेलिंग में फंसा के उसके बाद रिपेयरिंग करो, तुम लोगों ने काम करने के लिए कोई मना नहीं किया मगर ढंग से काम किया करो ठीक है, आप सेफ्टी रहोगे तो आपका फैमिली सेफ्टी रहेगा, आप सुरक्षा रहोगे तो आपका फैमिली सुरक्षा रहेगा, आप बीमार पड़ जाओगे तो घर वाला का कौन देखेगा, तीन आदमी खाने वाला है ना कौन खिलाएगा उसको, कोई होगा खिलाने वाला, इधर से कोई जाएगा खिलाने के लिए नहीं जाएगा ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी काम करो खुद का सुरक्षा लेके काम करो ठीक है।